जमशेदपुर के सरायकेला में बर्बरता में गई युवक की जान, कुछ लोगों ने चोट समझकर एक मुस्लिम युवक शम्स तबरेज को बुरी तरह पीटा। शम्स तबरेज की वीडियो आया सामने। रोक रोक ताकि जय श्री राम बोलते बोल भाई, एड़ा बोल जय श्री राम बोल, हाँ बोल जय श्री राम, आओ तोरा बोल, और एक बार बोल श्री राम, और एक बार बोल जय श्री राम, जय हनुमान बोल, जय हनुमान, और एक बार बोल जय हनुमान। पिटाई के बाद शम्स को लोगों ने पुलिस के सुपुर्द किया था और पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में जेल भेज दिया, लेकिन हालात बिगड़ने पर अस्पताल लाया गया, लेकिन हो गई मौत। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर उठाया सरायकेला का मुद्दा, लिखा गौहत्या चोरी स्मगलिंग लव जिहाद के शक में भीड़ तंत्र का शिकार हो रहे हैं मुस्लिम, ये कैसा सबका विश्वास। ओवैसी ने भीड़ तंत्र की हिंसा पर सीधे केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, कहा सरकार से मिल रही है ऐसे लोगों को शहर। तो ये उसी वक्त खत्म होंगे जब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जो सरकार है बीजेपी की, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को निभाए, वो उस ड्यूटी को निभाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। तेलंगाना के आदिलाबाद के बीजेपी सांसद सोएम बापूराव का विवादित बयान, मुस्लिम युवकों पर आदिवासी महिलाओं को धमकाने का लगाया आरोप। बीजेपी सांसद सोएम बापूराव ने दर्ज कराई शिकायत, मुस्लिम युवकों को दी धमकी, कहा इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी में बदायूं पुलिस की तरफ से आई हैरान करने वाली तस्वीर, वाहन चेकिंग के लिए रोके गए लोगों पर ताने हथियार। बिहार में जारी है चमकी का हाहाकार, अब तक 148 ने गवाई जान, अकेले मुजफ्फरपुर में 130 की मौत। सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य सुविधा पोषण और स्वच्छता पर केंद्र और बिहार सरकार से 10 दिन में मांगा हलफनामा, पूछा क्या नीति बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने किया जिक्र, कई गांवों में नहीं बचा एक भी मासूम। चमकी बुखार पर मुजफ्फरपुर की सीजीएम कोर्ट ने दिया जांच का आदेश। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद का पीएम पर हमला, कहा बिहार में बच्चों का हाल क्यों नहीं लेते मोदी। चमकी बुखार से बिहार में हाहाकार, लेकिन पटना में निजी अस्पताल के उद्घाटन में व्यस्त स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। आलिशान होटल में नर्सिंग होम के उद्घाटन का कार्यक्रम, मंगल पांडे ने कहा मैंने खुद देखा नर्सिंग होम में है सारे इंतजाम। मंगल पांडे के साथ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय चौधरी भी रहे मौजूद, निजी अस्पताल को बिहार के सरकारी अस्पताल से बेहतर बताया। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री श्याम रजक का दावा, बुखार से निपटने के लिए अमेरिका से टीम कर रही है रिसर्च। बिहार के कटिहार में भी चमकी बुखार की दस्तक, 3 साल की बच्ची में पाए गए एईएस के लक्षण। संसद परिसर में आज टीएमसी ने उठाया ईवीएम का मुद्दा, गांधी प्रतिमा के सामने किया प्रदर्शन। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा मैंने बहुत पहले ईवीएम के खिलाफ अदालत को सबूत मुहैया कराए थे, विपक्ष आज उठा रहा है मुद्दा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज संसद में चर्चा जारी, पीएम मोदी कल 4 बजे देंगे जवाब। लोकसभा में किशन रेड्डी ने आज गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से पेश किया जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल, मोदी कैबिनेट ने फरवरी में दी थी मंजूरी। आम आदमी पार्टी के सांसद ने राज्यसभा में उठाया दिल्ली में कानून व्यवस्था का मुद्दा। राज्यसभा में सांसद मोतीलाल वोरा ने उठाया जजों की नियुक्ति का मुद्दा, जजों के खाली पद भरे जाने की मांग। मोतीलाल वोरा ने यह भी कहा जजों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के सीजेआई के सुझाव पर हो विचार। समाजवादी पार्टी से मायावती के गठबंधन तोड़ने को आजम खान ने बताया एकतरफा इश्क का फैसला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, अकली बुआ भतीजे की यात्रा लंबी नहीं रहने वाले थी ये सभी को पता था। कर्नाटक में मिड टर्म चुनाव पर पूर्वी सीएम सिद्धरमैया का यू टर्न, मिड टर्म की जरूरत नहीं। मायावती ने किया गठबंधन तोड़ने का औपचारिक ऐलान, ट्वीट किया आगे के सारे चुनाव अकेले लड़ेगी बीएसपी। कल लखनऊ में देर रात तक चली बीएसपी की ऑल इंडिया बैठक, 2.5 घंटे की बैठक में एसपी पर बरसी मायावती। मीटिंग में मायावती का दावा बीएसपी की बदौलत ही 5 सीटें जीत पाई समाजवादी पार्टी। मायावती ने लगाया समाजवादी पार्टी पर धोखा देने का आरोप, बोली कई जगह बीएसपी को हराने का काम किया। मायावती ने कहा हार के बाद भी अखिलेश ने मुझे फोन नहीं किया, मैंने ही बड़प्पन दिखाते हुए हार पर अफसोस जताया। फडणवीस सरकार में मंत्री बनाए जाने पर नागपुर में परिणय फुके का स्वागत, एयरपोर्ट पर उमड़ी बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़। मंत्री परिणय फुके के कार पर चढ़ने से पिचक गई गाड़ी, कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर मचाया हंगामा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के उत्साह से एयरपोर्ट की रेलिंग तक टूट गई।
अगस्ता वेस्टलैंड मामले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार। बिहार में गुटबाजी में उलझी पुलिस, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की दिखी लाचारगी। 7 महीने में आरबीआई को दूसरा झटका, डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने दिया इस्तीफा। कार्यकाल के 6 महीने पहले ही विरल आचार्य ने दिया इस्तीफा, इससे पहले उर्जित पटेल ने भी वक्त से पहले दिया था इस्तीफा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का पीएम को पत्र, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एसएन शुक्ला को हटाने की बात। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का किया उद्घाटन, 47.7 करोड़ लीटर पानी की क्षमता। अरविंद केजरीवाल के उद्घाटन समारोह में न बुलाए जाने से अलका लांबा के दिखे बगावती सुर। पंडाल गिरने से हुए हादसे में 14 लोगों की मौत के बाद आज बाड़मेर पहुंचे सीएम अशोक गहलोत, पीड़ितों का दर्द जाना। राजस्थान सरकार ने दिए बाड़मेर हादसे की जांच के आदेश, कल रामकथा का पंडाल गिरने से हुई थी 14 लोगों की मौत। पंडाल उड़ रहा है, लोग खाली कर दीजिए, निकलिए बाहर, सभी बाहर निकलिए, देखिए पंडाल ऊपर हो रहा है आप लोग। जसोल कस्बे में हुआ था हादसा, पंडाल गिरने के बाद करंट फैलने से हुई श्रद्धालुओं की मौत। बाड़मेर हादसे पर पीएम मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी ने व्यक्त की संवेदना। आर्मी चीफ वीएस धनोआ बोले, बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान नहीं क्रॉस कर पाया था एलओसी। धनोआ ने किया साफ, भारत का मकसद सिर्फ आतंकी कैंप को निशाना बनाना, आर्मी कैंप में पाकिस्तान के हमले की साजिश की नाकाम। पुलवामा में सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन, आतंकवादियों के छिपे होने की खबर। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने फिर की पाकिस्तान से बातचीत की वकालत, बोले बातचीत से निकलेगा हल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की मॉक ड्रिल, रेलवे स्टेशन में तलाशी अभियान। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में बाढ़ का हाहाकार, 40 गांवों का संपर्क टूटा। बारिश से बेहाल हुआ असम, तामुलपुर में भारी बारिश। महाराष्ट्र के बुलढाणा में भयंकर बारिश से 3 की मौत, झाड़ गिरने से गई मां और 2 मासूमों की जान। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी के पेड्डापुरम इलाके में भारी बारिश से टूटा टैंक, सड़कों और घरों में घुसा पानी। बिहार के सहरसा में कोसी नदी में 5 लोग डूबे, 1 का शव बरामद, 4 बच्चियां लापता। उत्तराखंड के चंपावत और नैनीताल में अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी, उत्तरकाशी में जमकर बारिश। इंदौर में बरसे बादल, खत्म हुआ गर्मी का लंबा दौर। खरगोन में आंधी के बाद जमकर बारिश, पेड़ गिरने से लगा जाम। कर्नाटक के हुबली में भी बरसे बादल, गर्मी से राहत। चेन्नई में पानी को लेकर त्राहिमाम, सड़कों पर उतरे लोग, स्टालिन ने खाली मटके के साथ किया प्रदर्शन। प्रयागराज में एक वकील की गोली मारकर हत्या, अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने ली जान, हत्या की वजह साफ। कानपुर में लव मैरिज के खिलाफ भड़के लड़की के घर वाले, घर में घुसकर लड़के की मां को मारी गोली, हालत गंभीर। यूपी के जालौन में शॉर्ट सर्किट से एक्सिस बैंक में लगी आग, रविवार को बैंक बंद होने की वजह से टला बड़ा हादसा। सहारनपुर में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, एक घायल बदमाश पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सड़क पर दिखा तेंदुआ। बिहार के सुपौल में शराब तस्कर गिरफ्तार, विदेशी शराब बरामद। महाराष्ट्र के बुलढाणा में बुलेरो और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत। पंजाब के तरन तारण में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप, गला दबाकर ली जान, पति फरार। राजस्थान की पाली में मदरसे से मौलाना गिरफ्तार, नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का आरोप। दिल्ली के शास्त्री नगर में हैरान कर देने वाली वारदात, आत्महत्या के लिए 3री मंजिल से कूदा युवक, नीचे खड़े बुजुर्ग रिक्शे वाले पर गिरा। पीएचयू में मेडिकल छात्रा की खुदकुशी से हड़कंप, बीमारी से डिप्रेशन में थी छात्रा। मुजफ्फरनगर में कारोबारी के घर रेड डालने आया फर्जी सीबीआई अफसर गिरफ्तार, भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कम ब्याज पर कर्ज देने का झांसा देने वाले 9 ठग नोएडा पुलिस की गिरफ्त में, 2 कार और लाखों की नकदी भी जब्त। नोएडा में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने किया 11 लाख की लूट का खुलासा, 17 जून को सिगरेट एजेंसी के कैशियर से हुई थी लूट। कानपुर में अब नहीं बचेंगे ट्रैफिक कानून तोड़ने वाले, ड्रोन कैमरे से हो रही है ट्रैफिक की निगरानी। तेलंगाना के सिद्दीपेट में नगर पालिका कर्मचारियों पर 40 आवारा कुत्तों की जान लेने का आरोप। थाने में उपद्रवियों ने महिला यात्रियों पर फेंकी शराब की टूटी बोतल, 2 घायल। राजस्थान के धौलपुर में घर में घुसकर बुजुर्ग की हत्या, प्रॉपर्टी डीलर समेत 2 के खिलाफ केस दर्ज। पंजाब के भटिंडा में पति ने ली पत्नी की जान, फिर की खुदकुशी की कोशिश।
अलीगढ़ में पानी भरने को लेकर दो परिवारों का झगड़ा, मारपीट और पत्थरबाजी। पंजाब के भटिंडा में कथित कांग्रेस नेता के बेटे पर पड़ोसी के बच्चे को रॉड से पीटने का आरोप। मामूली झगड़े में हुई मारपीट, पुलिस की दलील, सोमवार को एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद करेंगे कार्रवाई। दिल्ली के शादरा में शादी के दौरान हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल। यूपी के बुलंदशहर में हाईवे पर चलती कार में लगी आग, बाल बचे, पांच कार सवार। राजगढ़ के थाना प्रभारी की कार में जलकर मौत, डंपर से टक्कर के बाद लगी कार में आग। अफगानिस्तान के बाद वर्ल्ड कप से बाहर होने वाली दूसरी टीम बनी दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान ने 49 रन से हराया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए बनाए 7 विकेट पर 308 रन, 9 विकेट पर 259 रन ही बना सकी दक्षिण अफ्रीकी टीम। पाकिस्तान से मैन ऑफ द मैच हैरिस सोहेल ने खेली 89 रन की पारी, बाबर आजम ने बनाए 69 रन। आईसीसी ने विराट पर मैच फीस का 25% लगाया जुर्माना, अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में अंपायर से उलझे थे। टेस्ट चैंपियनशिप के लिए तरोताजा रखने के लिए वर्ल्ड कप के बाद कोहली और बुमराह को मिलेगा ब्रेक, वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज में मिलेगा विश्राम। बांग्लादेश में बड़ा रेल हादसा, 5 लोगों की मौत, 200 घायल, पटरी से उतरी ट्रेन पुल से नीचे गिरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान से युद्ध नहीं चाहते लेकिन लड़ाई हुई तो पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। अमेरिका के हवाई में प्लेन क्रैश, 11 की मौत, हादसे की जांच के आदेश। चीन में जियांगशी प्रांत में बाढ़ का कहर, हजारों लोग बेघर। ब्राजील के साथ साओ पोलो में गे परेड का आयोजन, हजारों लोग सड़कों पर उतरे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।